हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज के वीडियो लेसन में हम आपके लिए लाए हैं आरआरबी रिक्रूटमेंट 2018 असिस्टेंट लोकोमोटिव पायलट के लिए एग्जाम पैटर्न। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ टाइम पहले ही रेलवेज ने असिस्टेंट लोकोमोटिव पायलट और टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी रिलीज की। मोर देन 26,000 वैकेंसी रिलीज की है, 26,000 से ज़्यादा वैकेंसीज है, जिसमें 8,000 समथिंग लोकोमोटिव पायलट के लिए और 17,000 समथिंग अपने लोकोमोटिव पायलट के लिए, 8,000 टेक्नीशियंस के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न किसका? असिस्टेंट लोकोमोटिव पायलट के लिए। तो एग्जाम पैटर्न रहता है, तीन स्टेजेस रहती हैं लोकोमोटिव पायलट के लिए। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में पार्ट ए और पार्ट बी में आता है आपके पास पेपर। ठीक है, आजकल सारे एग्जाम्स ऑनलाइन कर दिए गए हैं, कोई भी ऑफलाइन पेपर नहीं रहा है। और जो फाइनल होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी, जो फाइनल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो सिर्फ असिस्टेंट लोकोमोटिव पायलट के लिए होता है। ठीक है, तो और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सेशन स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टेज के बारे में। फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कितने सब्जेक्ट्स हैं? चार सब्जेक्ट्स हैं, आपको क्लियरली स्क्रीन पे दिख रहे हैं। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको रीजनिंग भी बोलते हैं, जीएस, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 75 क्वेश्चन है और एक घंटे का ड्यूरेशन रहेगा। कोई भी इंडिविजुअल बाइफरकेशन, मतलब इंडिविजुअल कौन से सब्जेक्ट से कितने आएंगे, ये इन्होंने रिलीज नहीं किया है। टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट मतलब एक घंटे का टाइम रहेगा। चार सब्जेक्ट रहने वाले हैं, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी, मतलब इस स्टेज को क्लियर करने के लिए मिनिमम कितने परसेंटेज लाने हैं, पहले से ही डिक्लेयर्ड है क्या क्या है। जनरल कैटेगरी के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी कैटेगरी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%, मतलब जितने नंबर ऑफ आपके टोटल मार्क्स हैं उससे 40% जनरल के लिए, 30% ओबीसी एससी के लिए और एसटी के लिए 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ले आएंगे तो पहली स्टेज अपने आप क्लियर हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, इट विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बाइलैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश बोथ। मतलब कि जो पहला स्टेज रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड सवाल रहेगा, मतलब हर सवाल पे 4 से 5 ऑप्शन रहेंगे और एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, वो आपको मार्क करना है। ठीक है, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम से। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, नेगेटिव मार्किंग। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 मार्क आपका जितना भी टोटल मार्क्स है उससे कट जाएगा अगर आप गलत जवाब देते हैं। ठीक है, तो तुक्के कम मारने हैं हमें, मेन जो अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, और चौथा और फाइनल पॉइंट देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज शैल बी 15 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज टोटल वैकेंसी ऑफ एएलपी एंड टेक्नीशियन पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट द आरआरबी। बोलने का क्या मतलब है कि पहले स्टेज को जो क्लियर करेंगे वो 15 गुने होंगे किससे, जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकले उससे। जैसे कि असिस्टेंट लोकोमोटिव पायलट की जितनी वैकेंसी है उससे 15 टाइम्स कैंडिडेट्स पहली स्टेज को क्लियर करके सेकंड स्टेज के लिए बैठेंगे, तो खूब सारे सिलेक्शन होंगे, घबराने की जरूरत नहीं, आराम से पेपर देना है हमें। ठीक है, मिनिमम परसेंटेज मार्क्स आपको पता चल चुके हैं, सारे सब्जेक्ट्स पता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल आएंगे ये भी पता है। ठीक है, ड्यूरेशन रहेगा 1 घंटा। अब देखते हैं सेकेंड स्टेज का। तो सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, सब्जेक्ट्स देख लीजिए, वही सब्जेक्ट्स हैं आपके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस बार 75 से बढ़कर 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ड्यूरेशन भी 60 मिनट से बढ़कर 90 मिनट हो चुका है, मतलब पेपर का लेवल भी थोड़ा सा बेटर हो सकता है। ठीक है, ये तो है सेकेंड स्टेज का पार्ट। अब इसके बाद होगा आपका पार्ट बी। पार्ट बी में क्या होगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट रहे जिसमें रिलेवेंट ट्रेड, मतलब जैसे लोकोमोटिव पायलट है तो लोकोमोटिव पायलट रिलेटिव ट्रेड हो गया, आप टेक्नीशियन के लिए कर रहे हो तो जिस टेक्नीशियन के लिए वो उसके लिए रिलेवेंट सब्जेक्ट हो गया, टेक्निकल सब्जेक्ट हो गया। तो टेक्निकल सब्जेक्ट होगा एक जिसके 75 सवाल पूछे जाएंगे और उसके लिए अलग से 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, ये था पार्ट बी। पार्ट ए में क्या था, वही 4 सब्जेक्ट थे जो फर्स्ट स्टेज में थे, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो गए और ड्यूरेशन बढ़ा के
एक घंटे की जगह 1.5 घंटा हो चुका है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके बारे में। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी वही 40, 30, 30, 25 जो पहली स्टेज में था वही सेकेंड स्टेज पार्ट ए के लिए। ये जो पॉइंट्स आपको राइट हैंड साइड में देख रहे हैं ये सिर्फ पार्ट ए के लिए। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और नेगेटिव मार्किंग वही 1/3 है, सेम ही चीज है। अब पार्ट बी में आ जाइए। अब पार्ट बी के बारे में क्या बोल रखा है, क्वालिफाइंग मार्क्स 35%, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स एंड नो रिलैक्सेशन इज परमिसेबल। मतलब 35% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे पार्ट बी के लिए जो रिलेवेंट ट्रेड या फिर टेक्निकल सब्जेक्ट पे होंगे जिसमें 75 सवाल और 1 घंटे का टाइम रहेगा। कोई कैटेगरी रिलैक्सेशन नहीं है, ये सब के लिए 35% ही रहेगा। ठीक है, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड शैल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रेड सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, जिसे हम DGET भी बोलते हैं। वही बता रहा है जो मैंने पहले बताया था, पार्ट बी प्योरली टेक्निकल रहेगा, ट्रेड सिलेबस से आएगा, सिलेबस पहले से ही बता रखा है, DGET ने रिलीज कर रखा है। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि पार्ट बी सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, मतलब जब फाइनल मेरिट लिस्ट बन रही होगी तो पार्ट बी के मार्क्स नहीं काउंट किए जाएंगे। इसमें बस आपको 35% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं और आप क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, अब फाइनली फाइनल पॉइंट देखते हैं। इसके बाद एक स्टेज और होगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वाली, वो और आपको करने की जरूरत होती है तब फाइनल बैठता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। पहला पॉइंट, द कैंडिडेट नीड टू सिक्योर ए मिनिमम स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज टू क्वालिफाई, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स एंड नो रिलैक्सेशन इज परमिसेबल। बोलने का क्या मतलब है कि चाहे आप कैटेगरी हैं या आप जनरल से हैं, किसी भी चाहे OBC हैं, SC ST, आपको कम से कम 42 मार्क्स सारे टेस्ट में लाना जरूरी है। सारे टेस्ट मतलब फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, पार्ट ए, पार्ट बी, सब में कम से कम 42 मार्क्स लाना मस्ट है। ठीक है, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन कंप्यूटर बेस्ड AT। ठीक है, मतलब जो तीसरी स्टेज मैंने आपको बताई थी कि इसको क्लियर करने के बाद जो तीसरी स्टेज होगी उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, 42 मार्क्स आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा सिर्फ, ये तीसरी स्टेज के लिए, सॉरी पहली और दूसरी स्टेज के लिए ये बात नहीं है, 42 मार्क्स वाली। मिनिमम स्कोर 42 किस में, जो तीसरा स्टेज में आपको बोल रहा हूं कंप्यूटर बेस्ड AT के बारे में। ठीक है, द ALP मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम अमंग्स द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट कौन सा, AT को ही एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, जो तीसरा स्टेज अपने बात कर रहे हैं। विद 70% वेटेज फॉर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पार्ट ए ऑफ द सेकेंड स्टेज CBT एंड 30% वेटेज फॉर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन कंप्यूटर बेस्ड AT। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी सेकंड स्टेज का जो पार्ट ए था जिसमें 4 सब्जेक्ट थे, 100 क्वेश्चन थे, 1.5 घंटे का टाइम था, 70% वेटेज वहां से है, 30% वेटेज कहां से है, तीसरा जो पार्ट है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसकी बात कर रहे हैं उधर से 30% वेटेज रहेगा, फाइनल लिस्ट बनेगी। फर्स्ट स्टेज भी प्योरली क्वालिफाइंग है, उसके भी मार्क्स नहीं जुड़ने वाले, और सेकंड स्टेज के पार्ट बी मतलब क्या, टेक्निकल सब्जेक्ट वाले के भी मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, प्योरली क्वालिफाइंग इन नेचर है, सिर्फ क्वालिफाई करने हैं, 35% मार्क्स लाने की जरूरत है पार्ट बी में। पार्ट ए में जरूर मार्क्स जुड़ रहे हैं, और कितने जुड़ रहे हैं, 70%, और 30% कहां से आ रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट से जो आपका थर्ड स्टेज होगा। ठीक है, उम्मीद है एग्जाम पैटर्न के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो चुकी है जो जो लोकोमोटिव पायलट के लिए भरना चाहते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई पैटर्न में बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं आया है, सेम ही फॉलो हुआ है, बस ऑनलाइन सब हो गया है, जो ज्यादा बेटर ही है। ठीक है, इसके बारे में और भी इंपॉर्टेंट खबरें, गाइडेंस और स्टडी मटेरियल हम डालते रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं अभी तक किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी नया वीडियो हम लोकोमोटिव पायलट या और भी किसी एग्जाम के लिए डालें तो आपके पास सीधी सीधी नोटिफिकेशन आ जाए। उम्मीद है इस सेशन से आपको काफी मदद मिली होगी। अगले सेशन तक धन्यवाद।